उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शराबी ने वर्चस्व को लेकर गांव के प्रधान प्रतिनिधि पर फायरिंग कर दी, जिसमें किशोर सहित दो लोगों को गोली लगी, जिससे एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घायल को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। इस घटना के बाद से पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से ट्रैक्टर लेकर आए ट्रैक्टर चालक के साथ सभाजीत द्वारा शराब के नशे में बदसलूकी और मारपीट की गई, जिसका प्रधान प्रतिनिधि ने विरोध किया, जिस पर दबंग सभाजीत ने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर लोगों से जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर फायरिंग की। सभाजीत पूर्व प्रधान है अरगल के, वो सुबह उन्होंने ट्रैक्टर वाले को मारा पीटा, जो कि राजस्थानी ट्रैक्टर वाला था, और हमारे रैदास मोहल्ले में जाके पर्व के चमारों को गाली दी, जाकू तक शब्द लेकर। तो वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि उनको बुला लो, तो हमने उनको फोन किया कि आप आ जाओ, आके मामला निपटवा लो। तो उन्होंने कहा कि हम मामला निपटाएंगे नहीं, हम इन चमारों से निपटेंगे। और उसके बाद उन्होंने बहुत भद्दी गालियां कम से कम 2-3 मिनट तक दिया, फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, शाम को मामला निपटा लेंगे। शाम को अभी गांव के भीतर से कुछ असलहेधारी, कुछ अरगल की तरफ से असलहेधारी लेके लगभग 15-20 लोग लेके आए और चौराहे से निकले और लंका के पास आके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। तो लोग, गांव के जो लोग थे, उन्होंने बदमाश करके दौड़ाया, तो जाके सभाजीत की कुछ दुकानें देवरी में बनी हुई है, देवरी और छोटी देवरी के बीच पे, उन दुकानों के ऊपर से चढ़ के उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सभाजीत ने जब फायरिंग की तो विशेष लड़का है उसके जाके गोली लगी और एक दो लोगों के छर्रे वर्रे लगे हैं। थाना जाफरगंज के देवरी बुजुर्ग गांव में दो पक्षों के बीच में कहासुनी हुई, जिसके बीच में विवाद बढ़ा। इसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर असले से फायरिंग की गई, जिसमें कि एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई और दूसरे को मामूली चोट है, जिसका उपचार किया जा रहा है। इसके संबंध में सभी उच्च अधिकारी, DM साहब के द्वारा, मेरे द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं, मेन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे असला भी बरामद कर लिया गया है, और अभी इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है।